उसकी ट्रांसपोर्ट स्केलेटल मसल में करवाने के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, अच्छा, इंसुलिन इंक्रीज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू, इंसुलिन जो होती है वो ग्लूकोज की एंट्री किसमें करवा रही होती है, पॉइंट नंबर 26 में, तो स्केलेटल मसल में सिंपल इंसुलिन के थ्रू जो होता है वो ग्लूकोज जो है स्केलेटल मसल्स के में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, यूजली नहीं हो रहा होता, अगर इंसुलिन होगी तो ये उसको ये एज ए कैरियर काम करेगी। अच्छा, इंसुलिन इंडिपेंडेंट अपटेक ऑफ ग्लूकोज कहाँ होती है, तो जो 27 पॉइंट है, तो इंसुलिन इंडिपेंडेंट जो होती है वो एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल, इसका एक निमोनिक इन्होंने दिया हुआ है ब्रिकलिप्स। ठीक है, ब्रिकलिप्स, अब ब्रिकलिप्स में क्या क्या चीजें होती है, वो सारी इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक है। बी फॉर व्हाट सर, ब्रेन। आर फॉर व्हाट सर, आरबीसीज। ठीक है, आई फॉर इंटेस्टाइन, सी फॉर कॉर्निया, के फॉर किडनी, एल फॉर लीवर, आई फॉर आईलेट्स यानी पेनक्रियास बीटा सेल्स, ठीक है, आईलेट्स ऑफ लैंगरहैन, उसके बाद पी फॉर प्लेसेंटा, एस फॉर स्पर्मेटोसाइट्स। ये सारी जो है वो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट में इंसुलिन इंडिपेंडेंट अपटेक बेसिकली ग्लूकोज की जो होती है वो इनमें होती है। ठीक है जी, उसके बाद आ गया जी इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल इज ग्रेटर देन ब्रेन। ठीक है, तो ये एक उन्होंने सीक्वेंस दिया हुआ है कि एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल जो होती है उससे उसमें ज्यादा हो रही होती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये दोनों हो तो वी हैव टू चूज एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल इज ग्रेटर देन ब्रेन। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी पॉइंट नंबर 29, एक टेबल दिया हुआ है जिसमें लेट मी रीड दैट पॉइंट फर्स्ट, सिमिलैरिटी बिटवीन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल इज, तो कार्डियक और स्केलेटल मसल में सिमिलैरिटी क्या है, ट्रांसफर स्ट्राइएशंस। ठीक है, ट्रांसफर स्ट्राइएशंस जो है ना वो सिमिलैरिटी है। उसके बाद आ गया जी स्केलेटल मसल है, कार्डियक मसल है, स्मूथ मसल है, उनमें डिफरेंस उन्होंने दिया हुआ है, तो लेट मी क्लैरिफाई दिस फॉर यू गाइस कि डिफरेंस क्या होता है, देन इट विल बी लॉट इजियर टू पिक अप द एमसीक्यूज। स्केलेटल मसल्स बेसिकली क्या होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं स्ट्राइएटेड होते हैं, कार्डियक मसल्स भी स्ट्राइएटेड, स्मूथ जो होते हैं वो बिल्कुल स्मूथ होते हैं। जस्ट इमेजिन ये तीन चीजें हैं, स्केलेटल मसल क्या है, स्ट्राइएटेड, इनमें भी झरियां हैं, कार्डियक मसल्स में भी झरियां हैं, वो भी स्ट्राइएटेड है, स्मूथ है ना। ठीक है, उनमें कुछ उनमें झरियां नहीं है। ठीक है, दे आर रियली रियली स्मूथ। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट के ये स्केलेटल मसल है, ये कार्डिक मसल है और ये स्मूथ है, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें ये झरियां हैं, इसमें ये स्मूथ वाला पार्ट है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है, आपको पता है कि स्केलेटल जो होता है वो हम वॉलंटरीली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कार्डिक मसल है वो दिल धड़का धड़कता जा रहा है उसको वॉलंटरीली कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इनवॉलंटरी है, स्मूथ मसल भी इनवॉलंटरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटरकलेटेड डिस्क, इसको रट्टाफाई करने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट अंडरस्टैंड कर लें तो That will be easier. अब इंटरकलेटेड डिस्क किस में होती हैं? इंटरकलेटेड डिस्क जो होती हैं कार्डिक मसल्स में होती हैं, बाकी दोनों में नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं कॉन्ट्रेक्शंस, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना उसमें सबसे ज्यादा तेज कॉन्ट्रेक्शंस हो रही होती हैं, वेरी रैपिड कॉन्ट्रेक्शंस। ठीक है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी रैपिड कॉन्ट्रेक्शंस जो होती हैं स्केलेटल मसल में होती हैं, फिर कार्डिक मसल्स में रैपिड कॉन्ट्रेक्शंस हो रही होती हैं। ठीक है, और सबसे स्लो कॉन्ट्रेक्शंस जो होती हैं वो स्मूथ मसल्स, ऐसे स्मूथ ऐसे स्लो कॉन्ट्रेक्शंस। अच्छा, अब न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है स्केलेटल मसल, बाकी दोनों यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि ट्रोपोनिन सी कैल्शियम कलमोडलिन कॉम्प्लेक्स जो होता है, कैल्शियम कलमोडलिन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो स्मूथ मसल में बनता है। ठीक है, वो स्मूथ मसल में बनता है, और जो ट्रोपोनिन सी और कैल्शियम ट्रोपोनिन सी वाला सिस्टम है वो उसमें बनता है स्केलेटल मसल में। ठीक है, और कार्डियक मसल में भी कैल्शियम ट्रोपोनिन सी बनता है। ठीक है, अच्छा, और एक और वर्ड होता है कैल्शियम कैल्सिक्वेस्ट्रिन, ठीक है, वो स्केलेटल मसल में बनता है, जबकि कैल्शियम कलमोडलिन कॉम्प्लेक्स जो है वो स्मूथ मसल्स में बनता है। अच्छा, अब स्केलेटल मसल्स में और कार्डिक मसल्स दोनों में टी टिब्यूल्स होती हैं, जबकि स्मूथ मसल्स में टी टिब्यूल्स नहीं होती। अच्छा, उसके बाद आ गया ट्रांसफर स्ट्राइएशंस जो होती हैं वो स्केलेटल और कार्डिक मसल दोनों में होती हैं। ठीक है, और बाकी जो होमोजेनस स्ट्राइएशंस हैं वो किस में होती हैं, स्मूथ मसल्स में होती हैं, होमोजेनस रेदर देन स्ट्राइएटेड, इट इज होमोजेनस नॉट स्ट्राइएटेड। ठीक है, इसमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती, वो होमोजेनस होता है सर। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाता है जी इनके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं एमसीक्यूज। ठीक है, स्केलेटल मसल की बैली जो होती है वो फ्लैशी होती है ऑल अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, वो डिफरेंस होती है कार्डियक और स्मूथ मसल में। ठीक है,
सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कार्डियक मसल बेसल स्टेट में फैटी एसिड।